फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल मेडिकोज क्लासेस। तो फ्रेंड्स आज जो हम वीडियो लेके आ रहे हैं, आज हम पूरा चेंज कर दिया हमारा टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मा वर्टिकेलिस। ठीक है, नॉर्मा वर्टिकेलिस हम लोगों ने हेड एंड नेक से ऑस्टियोलॉजी स्टार्ट किया। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है नॉर्मा वर्टिकेलिस, इसके बाद हम लोग करेंगे नॉर्मा फ्रंटेलिस। तो पहले नॉर्मा वर्टिकेलिस देखो क्या होता है। ठीक है, वट इज़ नॉर्मा वर्टिकेलिस? तो देखो, नॉर्मा वर्टिकेलिस इज नथिंग बट द सुपीरियर व्यू ऑफ स्कल। जो मतलब स्कल को तुम सुपीरियरली देखोगे तब तुमको नॉर्मा वर्टिकेलिस दिखे। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो दैट इज योर नॉर्मा वर्टिकेलिस। तो देख रहे हो दैट इज द सुपीरियर व्यू ऑफ द स्कल। ठीक है, दैट इज द सुपीरियर व्यू ऑफ द स्कल, जो कि क्या है, नॉर्मा वर्टिकेलिस। अब तुम बोलोगे कि देखो, जब हम लोग को इस तरह से पढ़ना है तो हमने ये देख लिया कि दैट इज द सुपीरियर व्यू ऑफ स्कल। मतलब देखो, ऊपर से कोई एक स्कल को नीचे हमने रखा है और ऊपर से हम लोग देख रहे हैं। देखो, हॉस्टल्स अभी बंद होने के कारण क्या है ना, सारे स्पेसिमेंट्स हॉस्टल में, तो मुझे कुछ फिगर्स का इस्तेमाल करके समझाना होगा। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो, दैट इज द सुपीरियर व्यू में क्या है, तुमको क्या दिख रहा है, कौन कौन सा बोन है जो नॉर्मल वर्टिकेलिस फॉर्म कर रहा है, एंड दैट इज योर फोर बोन्स बना रहे हैं। देखो, फर्स्ट वन इज द, देख रहे हो, दैट इज द फ्रंटल बोन। हम अभी पार्टिकुलर हर्ड बोन दिखाएंगे। दैट इज योर फ्रंटल बोन, अपर पोर्शन ऑफ द फ्रंटल बोन कह सकते हो। दैट इज द पैराइटल बोन, दो पैराइटल बोन बना रहे हैं। देख लो, एक साइड का एक पैराइटल बोन, एक साइड का, तो दो पैराइटल बोन्स हो गए। देन द स्क्वैमस पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल बोन, देख लो, दैट इज द ऑसिपिटल बोन, उसका स्क्वैमस पार्ट। तो नाउ हम लोग पार्टिकुलर हर्ड बोन को देखेंगे। तो देखो, देख सकते हो दैट इज द फ्रंटल बोन का जो अपर पार्ट है वो क्या बना रहा है, दैट इज फॉर्मिंग योर नॉर्मा वर्टिकेलिस। अपर पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन्स एंड दैट इज द पैराइटल, हमने देख ही लिया। देख रहे हो पैराइटल बोन तुमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दैट इज़ द पैराइटल बोन। ठीक है, पैराइटल बोन हो गया, अपर पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन, टू पैराइटल बोन्स, तो मैंने कहा था ना फोर बोन्स टोटल। एंड दैट इज़ योर अपर पार्ट ऑफ द स्क्वामस पार्ट ऑफ, देखो ये तुम्हारा पूरा स्क्वामस पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल बोन, लेकिन इसका क्या है, सिर्फ अपर पार्ट बन रहा है, अपर पार्ट बना रहा है सिर्फ। तो दैट इज़ योर, तो ये चार बोन मिलकर बना रहे हैं। तो तुम्हें अब चार बोन के बारे में पता चल गया है। अब तुमको पढ़ना है कि चलो अब इसके बाद सूचर्स, कौन कौन से सूचर्स बना रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले सूचर्स की बात करेंगे, कौन कौन से सूचर्स हैं जो ये बना रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तुमको एक सूचर यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, जो ये फ्रंटल बोन को पैराइटल बोन से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, द सूचर्स विच कनेक्ट द फ्रंटल बोन टू द पैराइटल बोन, फ्रंटल बोन को पैराइटल से कनेक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज द कोरोनल सूचर, कोरोनल सूचर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया तुम्हारा, कोरोनल सूचर। नाउ कम टू द सेकेंड वन, दैट इज योर द, देख रहे हो, दैट इज द सजाइटल सूचर, जो क्या कर रहा है, दो पैराइटल बोन को आपस में कनेक्ट कर रहा है। पैराइटल पैराइटल बोन को देख रहे हो, दोनों साइड पैराइटल बोन है, उनको कनेक्ट करने वाला सूचर कौन, तो कह सकते हो सूचर तुम्हारा सजाइटल सूचर, इंटर पैराइटल सूचर, मतलब दो पैराइटल बोन को जोड़ रहा है, तो पैराइटल तुम्हारा क्या हुआ, सजाइटल सूचर हो गया। तो पहला सूचर था कोरोनल, फर्स्ट था कोरोनल, सेकेंड हो गया सजाइटल। ठीक है, कोरोनल सूचर क्या कर रहा था, फ्रंटल बोन एंड पैराइटल बोन को जोड़ रहा था, एंड सजाइटल सूचर क्या कर रहा है, जो तुम्हारे दो पैराइटल बोन को जोड़ रहा है। नाउ द थर्ड वन इज द, अब देख सकते हो, तो एक सूचर तुमको यहाँ पे दिखेगा ऐसे, ये सूचर, ये एक सूचर है जो ऐसे जा रहा है, जो क्या कर रहा है, ऑसिपिटल बोन एंड फ्रंटल पैराइटल बोन इसको कनेक्ट कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, दैट इज द लैम्डोइड सूचर, जो किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, स्क्वैमस पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल बोन एंड द पैराइटल बोन। अब देखो फिगर में देखो, दैट इज द सजाइटल सूचर, देख सकते हो बीच में है, दैट इज योर सजाइटल सूचर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, देख सकते हो दैट इज द लैम्डोइड सूचर, जो मैं बताना चाह रहा था, ये देख रहे हो ऐसे लैम्डोइड सूचर। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, एक सूचर होता है दैट इज नोन एज ए मेटोपिक सूचर। देखो मेटोपिक सूचर क्या होता है, कि करीब 3 to 8% ऑफ इंडिविजुअल्स में देखने को मिलता है। एक एडिशनल सूचर होता है जो डिवाइड करता है फ्रंटल बोन को दो पार्ट में, दैट इज योर फ्रंटल बोन, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दैट इज द मेटोपिक सूचर। ये 3 to 8% पर लोगों में देखने को मिलता है। ठीक है, दैट इज द मेटोपिक सूचर। ठीक है, दैट इज योर मेटोपिक सूचर, देख रहे हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट, अब देखो जैसे ही तुम स्कल का टॉप व्यू लोगे, टॉप व्यू ऑफ स्कल देखोगे, तुम स्कल को ऐसे रख के टॉप व्यू देखोगे, तो तुमको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक एलिवेशन देख रहे हो यहाँ पे, सबसे ज्यादा टॉप व्यू, इसको स्कल को हम लोग लिए हैं हाथ में और ऐसे देख रहे हैं, तो दैट पॉइंट इज नोन एज द वर्टेक्स, द टॉप मोस्ट व्यू इज नोन एज द वर्टेक्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए, वर्टेक्स क्या होता है। तो व्हाट इज द टॉप व्यू ऑफ द स्कल, वॉल्ट ऑफ स्कल कह सकते हो। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपने, अब देखो अब क्या है, मीटिंग पॉइंट ऑफ द कोरोनल एंड द सजाइटल, दैट इज योर व्हाट सूचर, दैट इज योर कोरोनल सूचर। ठीक है, देखो दैट इज योर मीटिंग पॉइंट ऑफ द, नॉट, दिस इज योर सजाइटल सूचर एंड दैट इज योर लैम्डोइड सूचर। ठीक है, मतलब तुम्हारा जो कोरोनल सूचर है, ओ आई एम रियली सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दिया,
देखो ये फ्रंट व्यू है, ठीक है, ये फ्रंट व्यू है। तो तुम्हारा तुमको पता था ये जो सजाइटल सूचर है वो दो पैराइटल बोन को अलग कर रहा है, एंड दिस इज योर फ्रंटल बोन। तो यहाँ पे कौन सा सूचर होगा, दैट इज द कोरोनल सूचर होगा ना, कोरोनल सूचर। तो अब देखो कोरोनल सूचर और ये जो तुम्हारा कौन सा था सजाइटल सूचर, इन दोनों जो मिल रहे हैं एक पॉइंट पे, दैट्स पॉइंट मीटिंग पॉइंट ऑफ द सजाइटल सूचर एंड कोरोनल सूचर, नोन एज दी ब्रैग्मा। इसको क्या बोलते हैं, ब्रैग्मा बोलते हैं। अब देखो ब्रैग्मा पे क्या होता है ना, यहाँ पे एक डायमंड शेप का तुम्हारा गैप देखने को मिलता है, ठीक है, जो तुम्हारा डायमंड शेप का एक गैप देखने को मिलता है करीब इनिशियल तुम्हारा 1.5 ईयर्स में, मतलब वो गैप भर मतलब करीब बच्चा जन्म लेता है तो करीब 1 से 1.5 साल तक वो गैप रहता है, डायमंड शेप का गैप रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीरियर फ्रंटेनेल, ठीक है, एंटीरियर फ्रंटेनेल इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि ब्रेग्मा के साइड पे देखने को मिलता है कब, 1 से 1.5 साल तक, जब बच्चे के जन्म की 1 से 1.5 साल तक रहता है, देन आफ्टर वो गैप भर जाता है। कहाँ पे होता है, द गैप इज प्रेजेंट एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ द विच सूचर, दैट इज द सजाइटल सूचर एंड द कोरोनल सूचर, ब्रेग्मा इसी को बोलते हैं, ये गैप बाद में फिल हो जाता है, बट 1.5 ईयर तक यहाँ पे एंटीरियर फ्रंटेनेल, उसको हम लोग एंटीरियर फ्रंटेनेल बोलते हैं, ठीक है, वो गैप रहता है। पोस्टेरियरली सेम ऐसा ही देखने को मिलता है, ठीक है, दैट इज द साइट ऑफ द एंटीरियर फ्रंटेनेल, देख सकते हो ये साइट ऑफ द एंटीरियर फ्रंटेनेल। देखो पोस्टेरियरली सेम ऐसा ही होता है, जहाँ पे तुम ये सजाइटल सूचर लैम्बडॉइड सूचर से मिल रहा है, मतलब जो ये सजाइटल सूचर है ये किससे मिल रहा है, सजाइटल सूचर इज मीटिंग विद द लैम्बडॉइड सूचर एंड दैट्स पॉइंट इज नोन एज द लैम्बडा। वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, दैट इज द साइट ऑफ द पोस्टेरियर फ्रंटेनेली। ये कौन सा साइट है, पोस्टेरियर फ्रंटेनेली। और यहाँ पे क्या होता है कि करीब 1 से 1.5 मंथ्स ऑफ द लाइफ में ये फ्यूज हो जाते हैं, मतलब 1.5 मंथ्स में क्या होते हैं, ये फ्यूज होते हैं। फ्यूज कब होते हैं, आफ्टर द 1.5 मंथ्स ये फ्यूज हो जाते हैं, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद आपको कुछ दिक्कत नहीं होने वाला, सो डोंट वरी अबाउट दैट। देखो नाउ कम टू दिस द पोस्टीरियर फ्रंटेनेली, आप देख सकते हो दैट इज योर पोस्टीरियर फ्रंटेनेली, एवरीथिंग हैज बीन क्लियर ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सॉरी, अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, लेट मी टेलिंग यू द, देखो जस्ट इन द फ्रंट फ्रंट ऑफ इट, दो फोरामिना आपको देखने को मिलेगा। देखो लैम्बडा के जस्ट इन फ्रंट में आपको दो फोरामिना देखने को मिलेगा, दैट इज योर 1.5 इंचेस फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द लैम्बडा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दैट इज द लैम्बडा, हमने बताया था ना, दैट इज योर सजाइटल सूचर एंड दैट इज योर लैम्बडॉइड सूचर। तो यहाँ पे लैम्बडा, तो उसके करीब 1.5 इंच आपको दो फोरामिना में देखने को मिलेगा, दैट इज द नोन एज द पैराइटल फोरामिना। व्हाट इज द, दिस इज द पैराइटल फोरामिना, और वो किसको पैसेज करता है, दैट पासेज द एमिसरी वेन। ये क्या करता है, यहाँ पे एमिसरी वेन का पैसेज होता है जो कनेक्ट करता है स्कैल्प को सुपीरियर सजाइटल साइनस से। तो यहाँ पे किसका पैसेज हो रहा है, दैट इज द पैसेज ऑफ एमिसरी वेन विच कनेक्ट्स व्हाट, स्कैल्प टू द सुपीरियर सजाइटल साइनस, सुपीरियर सजाइटल साइनस, ठीक है, सुपीरियर सजाइटल साइनस से कनेक्ट कर रहा है, द मिडवे ऑफ द टू फोरामिना। अब देखो इसी दो फोरामिना के बीच में आपको, देखो आई एम शोइंग यू, देखो इस दो फोरामिना के बीच में एक स्ट्रेटेन स्ट्रक्चर, देखो नॉर्मली हर जगह कॉन्वोल्यूटेड है, मतलब हल्का हल्का डिप्रेशन हर जगह, बट यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेन स्ट्रक्चर मिल रहा है, दैट इज नोन एज द ओबिलियन। और ओबिलियन जो होता है ना, दैट इज द डिजनरेटेड टेंडन ऑफ द थर्ड आई। तो क्या है, ओबिलियन इज द डिजनरेटेड टेंडन ऑफ द थर्ड आई, ठीक है, थर्ड आई। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन रिमेंबर इट वेरी इजिली, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा कि जो इधर साइड ऑफ द पैराइटल बोन, इधर साइड देखो, दैट इज योर पैराइटल बोन ना, दिस इज योर पैराइटल बोन, इधर साइड ऑफ द पैराइटल बोन यू कैन सी अ कॉन्वेक्सिटी बल्जिंग, देख रहे हो, ये कॉन्वेक्सिटी बल्जिंग देखने को मिल रहा है ऐसे ऐसे, एंड दैट बल्जिंग इज नोन एज द पैराइटल ट्यूबर या पैराइटल एमिनेंस, एंड दैट इज द कॉमन साइट ऑफ द फ्रैक्चर, एंड दिस आर द कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर बोलते हैं, ठीक है, दीज आर द कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। तो ये तुम्हारा कॉमन साइट होता है फ्रैक्चर का। अब देखो यहाँ पे तुम देखोगे तो दैट इज द मोर, सबसे ज्यादा ट्रांसवर्स डायमीटर क्या होगा, यहीं पे देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा डायमीटर क्या होता है, इसी एरिया में होता है, दैट इज द मोर एंड मोर ट्रांसवर्स डायमीटर एट द एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे मोर एंड मोर डायमीटर देखने को मिलेगा। तो अब देखो ना, हमने लगभग सारा कंप्लीट कर लिया, अब इसका लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सो मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक चीज़ और ध्यान रख लो, आप देख सकते हो स्कल आगे के साइड से क्या होता है, टेपर होता है, मतलब आगे के साइड से क्या होता है, नैरो हो जाता है, और पीछे के साइड से क्या रहता है, ब्रॉड रहता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बात थी, तो हमने बताया पैराइटल बोन फ्रैक्चर के लिए ना। अब देखो अब यहाँ से क्या होता है कि आपको दो टेम्पोरल लाइंस के पोर्शन जो होते हैं नॉर्मली, देखो नॉर्मली ये जो होता है ना वो नॉर्मल लेटरलिस में देखने को मिलता है, जो सुपीरियर इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन, बट आपको जो होता है ना सुपीरियर व्यू में भी दिख जाता है बहुत बार, ठीक
ठीक है, वर्टिकली जो हमारा स्कल का उसमें भी दिखता है थोड़ा थोड़ा पोर्शन, तो दो आ जाता है इसमें भी, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अब ये कहाँ से शुरुआत हो रही है सुपीरियर इनफीरियर टेम्पोरल लाइन की। तो ये स्टार्ट हो रही है जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन। देखो ये आपका फ्रंटल बोन है, आपको पता है, आपको पता होना चाहिए। देखो ये जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन एंड दैट इज द, देखो हर बोन से ना जो जिस बोन से आर्टिकुलेट करना है उस नाम का एक प्रोसेस निकलता है। तो फ्रंटल बोन से जाइगोमेटिक बोन से उसको जुड़ना है तो क्या बनाएगा, दैट इज द जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन। देन आफ्टर क्या होगा, जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन, देखो तो क्या होगा, जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो जाइगोमेटिक प्रोसेस है फ्रंटल बोन का, वो क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा दो लाइंस में, दैट इज द सुपीरियर इंफीरियर टेम्पोरल लाइन। वो कहाँ पे आए करेगा, जैसे ही वो आएगा यहाँ पे कौन सा सूचर है, दैट इज अ कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर के पास आके ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, वन पार्ट इज नोन एज द सुपीरियर टेम्पोरल लाइन एंड अनदर पार्ट इज नोन एज द इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन। तो देखो अब क्या होता है कि जो सुपीरियर टेम्पोरल लाइन होता है वो बस यहीं पे आके पोस्टेरियली फेड कर जाएगा, मतलब पोस्टेरियली यहाँ पे क्या है, यहीं पे आके वो खत्म हो गया। ठीक है, बट जो इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन होता है, देखो इसमें सुपीरियर टेम्पोरल लाइन ना थोड़ा और ऊपर से जाएगा, यहाँ पे मैंने दिखाया थोड़ा सा और, यहाँ देखो ये जो है थोड़ा ऊपर से जाता है और यहाँ पे जाके फेड कर जाएगा पोस्टेरियली, वो फिर उसका कहीं नहीं होगा। और ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है दो चीज़ का, दैट इज द अटैचमेंट ऑफ एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस एंड द टेम्पोरल फेशा फाशा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सुपीरियर टेम्पोरल है वो अटैचमेंट देता है दो चीज़ का, एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस एंड टेम्पोरल फाशा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंफीरियर टेम्पोरल लाइन। वो क्या करता है, इंफीरियर टेम्पोरल लाइन रन्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। देखो ये क्या कर रहा है, डाउनवर्ड रन करेगा ऐसे आएगा एंड फॉरवर्ड रन करेगा। ठीक है, इट कनेक्ट्स विद द एडजेसेंट ऑफ द टेम्पोरलिस मसल। अब देखो ये फिर आगे की साइड चला जाता है, मतलब इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करता है, ये फेड नहीं करता। और ये क्या करता है ना, ये लिमिट करता है टेम्पोरल टेम्पोरलिस मसल के अटैचमेंट को, टेम्पोरलिस मसल के अटैचमेंट को यहाँ तक वो लिमिट कर दिया, मतलब अब इसके बाद वो मसल का अटैचमेंट इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो एक मसल के लिए एक लिमिट दे रहा है, तो इट लिमिट्स द अटैचमेंट ऑफ द टेम्पोरलिस मसल। ठीक है, तो देख सकते हो यही मैंने यहाँ पर दिखाया है ऐसे करके ऐसे, तो दिस इज द इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन और इसके ऊपर से जो जाएगा। तो वो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कहाँ पे जाके टेम्पोरल लाइंस डिवाइड होते हैं, तो एट द पॉइंट ऑफ द कोरोनल सूचर ये डिवाइड होते हैं। ठीक है, देख सकते हो दैट इज द इन्फीरियर टेम्पोरल लाइन जो ऐसे जा रहा है नीचे, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन तुम्हारा ये हो गया, देख रहे हो यहाँ पे ना। तो यहीं पे ये टॉपिक खत्म होता है, इसके बाद हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज आवर टॉपिक इज नॉर्मा फ्रंटालिस। तो आप तब तक अच्छे से देखो, बुक को एक बार पढ़ लो, पूरा क्लियर हो जाएगा।